खबरों से खेलने वाले, खबरों को आम करने वाले तीन बेहतरीन खबरनवीस जहीर अंसारी, हरीश चौबे और गोपाल अवस्थी खास हो गए। इन तीनों का स्मरण करते हुए शहर के पत्रकारों, राजनीतिज्ञ, प्रशासनिक, समाजसेवियों और साहित्यकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। खबरों की दुनिया को असमय अलविदा कहकर चले गए नगर के इन तीन प्रतिष्ठित पत्रकारों को शहर ने दिल से याद किया और भावांजलि अर्पित की। सिविक सेंटर स्थित प्रेस कॉम्प्लेक्स परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें नगर के कलमवीरों, समाज सेवियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अफसरों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य जनों ने दिवंगत पत्रकार जहीर अंसारी, हरीश चौबे और गोपाल अवस्थी के प्रति शोक संवेदनाएं और श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनके साथ जुड़ी यादों, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व को अपने शब्दों में मौजूद जनों से साझा किए। वक्ताओं ने कहा कि इन तीनों पत्रकारों की अपनी अपनी खासियत थी, जिसकी भरपाई अब नहीं हो सकती। इन सभी ने अप्रत्याशित रूप से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनके निधन से पत्रकार जगत स्तब्ध है। सभी वर्ग के लोगों ने उपस्थित होकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्रकारों ने इस अवसर पर घोषणा की कि हर वर्ष इन तीनों पत्रकारों की स्मृति में सामाजिक सरोकार और ज्वलंत मुद्दों पर व्याख्यान माला का आयोजन किया जाएगा। उससे हमेशा संबंध बना के रखना और विशेष रूप से जहाँ जहाँ वो हमारे साथ रहे इन 36 सालों में, वो संबंध आज भी जीवित रखे मेरे नहीं होने के बाद भी, ऐसी अनूठी कला और ऐसी जिम्मेदारी बिरलों में ही होती है, ऐसे हमारी देही भाई में थी। हम कह सकते हैं कि हम चार भाइयों में एक और भाई देही भी था, जो सुबह 10 बजे से लेकर रात में 10 बजे तक और परिवार के हर सुख दुख से लेकर हर चीज़ में, पूजा पाठ सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे और सभी लोगों के प्रति एक सम्मान और एक आदर का भाव हमेशा बना रहा, जिसने, मैं 20 साल 22 साल यहाँ नहीं हूँ, उसके बाद भी ये कभी खलने नहीं दी। ये देही की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, जबलपुर।